नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज आपको बताते हैं कि रेलवे में गेट मैन की ड्यूटी क्या होती है, क्या उसका कर्तव्य होता है। तो इनके बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए। बहुत लोगों को उत्सुक रहती है कि हम जाने कि रेलवे में गेट मैन की ड्यूटी क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं, क्या उनका काम होता है। तो आज हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले तो बता दें कि रेलवे में गेट में जैसे दो गेट होता है, एक तो ट्रैफिक गेट हो गया और एक होता है इंजीनियरिंग गेट होता है। तो आप देखते होंगे, जैसे रास्ते में भी जाते होंगे, सफर करते होंगे, तो स्टेशन का जो बगल वाला गेट, जस्ट स्टेशन के बगल वाला रहता है, दोनों साइड रहता है, या तो कहीं पे दोनों साइड रहता है, नहीं तो एक साइड रहता है। नहीं तो आजकल तो क्या अंडर ब्रिज बनने लगा है, तो कुछ दिन में पूरा अंडर ब्रिज बन जाएगा। तो जो स्टेशन के दोनों साइड जो गेट रहता है, तो वो ट्रैफिक के अंतर्गत आता है। तो उसमें अपना ट्रैफिक डिपार्टमेंट के स्टाफ बैठते हैं, जैसे पॉइंट्समैन हो गया, तो उन्हीं में से कोई, जैसे गेटमैन भी होता है, मतलब पॉइंट्समैन ट्रैफिक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन प्रॉपर गेटमैन है तो गेटमैन रहेंगे, नहीं तो पॉइंट्समैन रहेंगे। तो वो जाते हैं, अपना पॉइंट्समैन ही गेट पे जाते हैं। और एक हो गया, जैसे बीच रास्ते पे देखते होंगे जो ट्रैफिक के बाहर वाला गेट हो गया, इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो आपको इंजीनियरिंग गेट हो गया। तो वहां पे इंजीनियरिंग स्टाफ बैठते हैं, उस गेट पे जो भी इंजीनियरिंग स्टाफ है वो बैठते हैं वहां पे, उनकी ड्यूटी वहां रहती है। तो आज हम तो अभी ट्रैफिक गेट पे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जानकारी दे दें कि जैसे हमको सुबह है, जैसे नाइट की ड्यूटी हो या दिन की ड्यूटी हो, तो हमको तो पहले टाइम से आना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर आऊंगा तभी दूसरा मेरा रिलीवर है उसको छोड़, मतलब दूसरा जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको छोड़ूंगा। और हमको भी, हम भी जब जाएंगे, जब हमको वो दूसरा वाला, जैसे मेरी दिन की ड्यूटी है तो वो नाइट वाले आएंगे, तभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ, नहीं तो बीच में नहीं जा सकता हूँ, गेट छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि जब तक मेरा डिलीवर नहीं आ जाता है, वो चार्ज मेरा नहीं ले लेते हैं, तब तक मैं नहीं जा सकता हूँ। ये तो हो गई काम, मतलब ड्यूटी पे आने की बात। चलिए ड्यूटी पे आ गए, और ड्यूटी पे आ गए तो पहले चार्ज लेंगे कि क्या है, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब सही सलामत है, सामान वगैरह सही सलामत है कि नहीं है, ये सब हमको चार्ज लेना पड़ता है। फिर चार्ज लेने के बाद अब हम अपने बैठेंगे, और एक एक रजिस्टर रहता है, तो ये रजिस्टर हो गया। तो इस रजिस्टर में जैसे हम दर्ज करेंगे कि आज मैंने इतने तारीख को इतने बजे चार्ज भार ग्रहण किया, वहां से चलेंगे। और यहाँ पे जैसे क्या क्या लिखना पड़ता है तो देख सकते हैं आप लोग, ये दिख रहा होगा नहीं, ये क्या है, फर्स्ट में तो सीरियल नंबर लिखना पड़ता है, उसके बाद आज कौन सी तारीख है वो लिखना पड़ता है, फिर कौन सी ट्रेन है, अप ट्रेन है कि डाउन ट्रेन है, गाड़ी नंबर है वो लिखना पड़ता है, मालगाड़ी है तो अप डाउन लिख देंगे, और पैसेंजर ट्रेन है तो उसका नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद टाइम, जो आप कितने बजे इसको बंद कर रहे हैं वो टाइम लिखना पड़ता है, प्लस में स्टेशन मास्टर जो ऑन ड्यूटी है उनका नाम लिखना पड़ता है, और अपना सिग्नेचर करना पड़ता है, और रिमार्क, जैसे कुछ रिमार्क डाल सकते हैं, रिमार्क में भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गया रजिस्टर जिसपे हम नाम वगैरह एंट्री करते हैं, गाड़ी का नंबर वगैरह एंट्री करते हैं। अब चलते हैं एस्टिमेट के बारे, ये है झंडी, और एक मतलब दो सीट रहता है, तो एक रेड झंडी और एक ग्रीन झंडी, हरी झंडी। तो ये दिन के लिए है, लाल और हरी झंडी है ये दिन में दिखाने के लिए है, और रात में दिखाने के लिए मेरे पास ये कलर लाइट टॉर्च है, जिसमें तीन कलर होते हैं, ग्रीन होते हैं, व्हाइट होते हैं और रेड होते हैं। तो ज्यादातर हम लोग का यूज तो व्हाइट ही होता है, इमरजेंसी है तो इसमें रेड दिखा सकते हैं आप, रेड दिखा के रोक सकते हैं गाड़ी को, कोई अनहोनी पार्ट जैसे टूटा हुआ कुछ जा रहा है या गाड़ी में कुछ हॉट एक्सल है, तो उस स्थिति में हमको गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तो रेड दिखा के रोक देंगे गाड़ी, तो इमरजेंसी में रोकना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ये कलर लाइट टॉर्च होता है रात के लिए, ये हमारे पास तीन होता है, इमरजेंसी के लिए, या कुछ गेट पे जैसे कुछ हो जाए, आप फाटक, कोई ट्रक आए और फाटक तोड़ के चले जाए, तो उस स्थिति में दोनों साइड जाम लगानी पड़ती है, तो रेड लाइट है उसको लगा देते हैं दोनों साइड इस स्थिति में। एक्चुअली तो जैसे ये तो
सिग्नल से जुड़ा हुआ गेट है, जब तक ये जैसे ही कुछ बूम होगा ऑटोमेटिक सिग्नल उठ जाएगा दोनों साइड का। फिर भी है मतलब सेफ्टी के हिसाब से अपने को जो एस्टिमेट मतलब बताया जाता है ट्रेनिंग में बताया जाता है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। चलिए तो ये तो हो गया ग्रीन बत्ती की बात। और ये रहता है मेरे पास एक टेलीफोन, टेलीफोन दिखा देता है आपको। ये जैसे ये टेलीफोन हो गया, तो टेलीफोन का क्या काम रहता है, ये टेलीफोन नंबर लगाने वाला नहीं रहता है, ये रहता है जैसे ये हो गया, इसको जैसे घुमाएंगे तो उधर से भी उधर घंटी चली जाएगी, स्टेशन पे घंटी चली जाएगी और बात हो जाएगी, ऐसा ही सीधे बात हो जाएगी। उधर से भी जैसे घंटी दिए हम भी एक बार घुमाएंगे घंटी देंगे बस बात हो जाएगी। इसमें नंबर वगैरह कुछ नहीं रहता है, देख सकते हैं आप लोग इसमें नंबर नहीं रहता है, ये ऑटोफोन बोल दीजिए या ऑटोफोन ही है, मतलब जैसे इसको घुमाइए और बात हो जाएगी। उधर से भी घुमाते हैं तो घंटी आ जाती है, बात हो जाती है। जैसे हमको कोई गाड़ी है निकली हुई, गाड़ी कब बंद हमको गेट कब बंद करनी पड़ती है, जैसे पिछला स्टेशन से कोई गाड़ी निकलती है तो जैसे ही निकलती है हमें स्टेशन मास्टर साहब सूचना देते हैं कि घंटी मारते हैं कि भाई ये फलाना गाड़ी है इधर से अप है या डाउन है या पैसेंजर ट्रेन है, तो उनका नंबर बताते हैं कि इतने नंबर की गाड़ी निकल चुकी है आप गेट बंद कीजिए। तो हम तुरंत जाते हैं और गेट बंद करते हैं और फिर वहां से चाबी देनी पड़ती है, चाबी जब तक चाबी नहीं देंगे तब तक वहां पे चाबी नहीं जाएगी और स्लॉट नहीं मतलब सिग्नल नहीं आएगा, दोनों तरफ का सिग्नल नहीं आएगा। तो गेट बंद करके और तुरंत हमें चाबी देनी पड़ती है यहां से, फिर वहां चाबी रिसीव करेंगे तभी जाके गेट बंद होगी और सिग्नल आएगा। तो ये हो गया फोन वगैरह के बारे में, ये फोन रहता है जिससे हम संपर्क कर पाते हैं स्टेशन पे, वह घंटी आती है गाड़ी बंद करना है या कोई सूचना देना है, जैसे इधर से ही कोई सूचना देना है कि भाई गाड़ी में एक हॉट एक्सल है इसको रुकवाया जाए हमसे, अगर कार ड्राइवर वैसे तो हम रेड दिखा के रुका सकते हैं फिर भी स्टेशन मास्टर को तुरंत सूचना देना है कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है इसको जहां तक हो मतलब अधिकांशतः इसको रुकाया जाए, अभी तुरंत इसको रुकाया जाए। तो वो अपने हिसाब से फिर वॉकी टॉकी है बात करते हैं फिर इस गाड़ी को रुकाया जाता है। तो ये तो हो गई फोन की बात, चलिए अब आपको दिखाते हैं, चलिए अब आपको बताते हैं कि जैसे वो बंद करने वाला वो पैनल है वो कहाँ पे है। तो ये देखिए ये बंद करने वाले पैनल होते हैं हमारे पास, इसको जैसे ये अभी खुला हुआ है, खुला हुआ पोजीशन में है बूम। तो चलिए आपको बैक कैमरा से दिखा, जैसे ये पैनल हो गया, ये पैनल है ये बंद करने वाला है, बंद कर जैसे इसको दबाएंगे तो बंद हो जाएगी, फिर इसको दबाएंगे तो खुल जाएगी, दबा के और इसको चाबी देनी पड़ती फिर चाबी रिसीव कर लेते हैं फिर ये पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है, इस पर कुछ काम नहीं करेगा, जब भी चाबी रिसीव कर लेंगे इसमें कुछ काम नहीं करेगा, अपने तरफ से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं जब तक उधर से स्लॉट नहीं देंगे, चाबी देंगे फिर इधर ये इंडिकेशन आएगा चाबी का फिर इसको रिसीव करेंगे तब जाके गेट खुलेगी वरना कुछ नहीं खुलेगी। चलिए तो ये बूम है, ये बूम हो गया गेट का, ये बूम है ये नीचे गिर जाता है और यहाँ से साधन जाती रहती है हमेशा, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है कि एक तो इधर गांव है और ये है आपको दिखाएंगे कभी, ये पूरा नमक का पहाड़ है, तो इधर कंपनियाँ सब बहुत सारी कंपनियाँ हैं इसके चलते बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे आती जाती रहती हैं। और ये है नई वाली बिल्डिंग जो अभी फाटक के लिए बन रही है, बन के तैयार है पर अभी ये क्या दूसरा डबल लाइन हो रहा है ना, तो डबल लाइन के लिए वो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे फिर हमें हैंडओवर करेंगे, अभी तो नहीं किए हैं। ये रहा, ये तो अभी क्या है तो वहाँ पे एक रूम बना हुआ था पर वो रूम थोड़ा कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए उसको तोड़ के फिर ये लगा दिया गया है, फिर कुछ दिनों में ही ये अभी हैंडओवर हो जाएंगे, ये हम लोग को दे देंगे फिर उसमें पैनल वगैरह बैठ जाएंगे, अभी पैनल वगैरह तो नहीं बैठा है, पैनल बैठ जाएंगे हम लोग को दे देंगे चलाने के लिए। चलिए तो एक सिग्नल और बताते हैं आपको, येलो दिखाता है, जैसे गेट बंद करेंगे जैसे ही बंद करेंगे तो रेड दिखाएगी और ये खुली हुई है तो खुली पोजीशन में पीली बत्ती दिखाती है, जिससे कोई साधन आ रहा है तो उसको रेड दिख गया तो पता चल गया कि गेट बंद है इसलिए वो अपना स्लो कर लेते हैं साधनों को जो भी है।
चलिए ये 500 लीटर की टंकी रखी हुई है, इससे हाथ मुंह धोना है वगैरह ये सब रहते हैं। ये हमारी गुमती है जिस पे हम ड्यूटी करते हैं। और ये है, ये तो क्या फैन खराब हो गया है, अभी नहीं चालू है। तो ये कूलर है, गर्मी बहुत पड़ती है तो इसलिए कूलर लगा रखे हैं। और ये कुर्सी है और ये ही एस्टिमेट। इसमें तो झूला टिफिन रात को ही आए थे, तो रात को तो भूख नहीं लगती है, 8 बजे ही आना पड़ता है तो भूख नहीं थी तो ले लिए थे टिफिन। और ये है पानी का बोतल, इसको ऊपर से लगा रखे हैं ताकि ये ऊपर से अगर पानी थोड़ा डाल देते हैं ना तो ये ठंडा रहता है बहुत देर तक, इसलिए इसको लगा रखे हैं। बंद कर रहे हैं गेट, अभी बंद हो जाएगी, ये बंद हो गई। और ये चाबी इधर दे दी है, और इसके बाद चाबी ले लेने के बाद कुछ बटन इसमें काम नहीं करेगा। जैसे आप लोग भी जाते होंगे कहीं पे, बताते हैं गेट जैसे बंद हो गई तो बंद होने के बाद हमें लाल और हरी झंडी लेके दोनों हाथों में खड़ी हो जानी है ऑनलाइन एक्सचेंज करने के लिए। तो दाहिने हाथ में हम रखेंगे लाल झंडी और बाएं हाथ में ग्रीन झंडी, क्योंकि कोई खतरा हो तो तुरंत दायां हाथ ही उठता है तो तुरंत हम दिखा सके रेड कलर के झंडी के लिए। जैसे आप लोग भी जाते हैं कहीं पे तो बहुत जल्दी रहती है कि भाई गेटमैन क्यों नहीं खोल रहा है, गेट क्यों नहीं खोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जैसे गेट बंद करके एक बार चाबी दे देते हैं तो जब तक स्टेशन मास्टर साहब उधर से चाबी नहीं देंगे तब तक इधर का कोई बटन काम नहीं करेगा, अपने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो चाबी देंगे, इधर से चाबी रिसीव करेंगे, तभी गेट खुल सकता है और बंद हो सकता है, कुछ वर्क कर सकता है। तो आगे से जानकारी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गेटमैन की कोई गलती नहीं रहती है, जब तक चाबी उधर से नहीं आएगा तब तक कोई वर्क नहीं काम करेगा। चलिए दोस्तों, तो रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी जो भी प्रश्न हो आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो के यहीं करते हैं एंड। अगर रेलवे से जानकारी चाहिए तो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो और बहुत सारी जानकारी हम जो भी है हम देते रहेंगे समय समय। अभी तो आज चलिए गेटमैन की ड्यूटी है, चलिए अभी घंटी आ गया है, अभी गेट बंद करने के लिए हम बात करेंगे, गेट बंद करके चलिए रखते हैं। तो बाय बाय, धन्यवाद।